खेती से समृद्धि हासिल करने के लिए बड़े खेत और बड़ा निवेश एक पूर्व शर्त की तरह लगते हैं, लेकिन यहाँ पूर्णिया जिले में बिहार सरकार और विश्व बैंक की ओर से चलाई जा रही संयुक्त परियोजना जीविका जिस तरह छोटे और गरीब किसानों के बीच घरेलू तरीकों और तकनीकों का प्रशिक्षण दे रही है, उससे उनकी जिंदगियां तो बदल ही रही है, साथ ही खेती से समृद्धि हासिल करने की पुरानी अवधारणा भी बदल रही है। खेती से समृद्धि की ये अवधारणा पक्की करने में इस तरह की प्रशिक्षण कक्षाओं की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को खेती की बारीकियां और बाजार खोजने के तरीके बताने वाली ये कक्षा पूर्णिया जिले के धमदाहा ब्लॉक में चल रही है। मार्केटिंग का तरीका क्या हो, कैसे किसान आपस में एक दूसरे से बेहतर तालमेल करके उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, ये यहाँ सिखाया जाता है। सवाल ये है कि आखिर इतना सब सीखने से इनकी जिंदगी में कितना बदलाव आ जाता है, जवाब सुनिए। 380 कुंटल 50 केजी मकई पर हमको जो ये पैसा खाता पर आया तो उससे जो हम फिर दूसरा जो बिजनेस किए, बिजनेस करके 3 बीघा ऐसा राई से हम जो धान का खेती किए और उससे जो पैसा हमको बेनिफिट हुआ तो कहीं जो 2 कट्ठा जमीन खरीद लिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट हुआ सर हमको। अब की बार जो हम मकई लगाए हैं 5 बीघा तो जरूर है, फिर जो है 380 कुंटल दिए हैं तो 300 जो है फिर जो है 80 की 90 कुंटल दे सकते हैं, और अगले अब की साल ये है कि एक तो लड़की है उसे ही शादी कर सकते हैं। शकीला और उनके जैसी सैकड़ों महिला किसानों के लिए ये बदलाव महज एक शुरुआत है। साल भर पहले जीविका ने महिला किसानों की जिंदगी में बेहतरी के लिए ये परियोजना शुरू की। महिला किसानों की मुश्किल सबसे बड़ी यही थी कि आखिर उनकी उपज अच्छे भाव पर बिके कैसे। इसका समाधान जीविका ने निकाला। जीविका ने किसानों की उपज को सामूहिक तौर पर खरीदा और उसे बेचने के लिए एक्सचेंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इसका फायदा ये हुआ कि पूर्णिया की इन महिला किसानों की उपज को राष्ट्रीय बाजार मिल गया। जाहिर है जब खरीदार देश भर के हों तो कीमत ज्यादा मिलनी तय है। कंपनी में जुड़ने के बाद जो किसान ये कंपनी में बेचे हैं उनको 1008 रुपये का दर से वो इसमें सेल किए हैं, तो एक ऑलमोस्ट रखिए 51 रुपीज़ डायरेक्ट उनको बेनिफिट पर क्विंटल के हिसाब से प्राइस के टर्म में हुआ। और उसके बाद जो कंपनी जो उसको सेल NCDX प्लेटफॉर्म एंड अदर चीज पे करने के बाद जो प्रॉफिट ओवरऑल कैलकुलेट किए तो उसके बाद पेट्रोनेज बोनस की जो बात हुई थी 70%, तो ओवरऑल हम ले सकते हैं कि 101 रुपया किसान के ही खाते में गया डायरेक्ट, और उसके बाद 45 रुपया के करीब जो है कि उसको या तो कंपनी में जो उनका अपना शेयर में है पैसा या उत्पादक समूह में है इस रूप में उनके पास सेविंग है, ये उनको उस टर्म में प्रॉफिट हुआ है डायरेक्ट। महिला किसानों का पूरा समूह आरण्यक FPO के तौर पर काम करता है। इसके कुल 1428 सदस्य हैं और इन महिलाओं के FPO का कुल कारोबार बीते सीजन में करीब 1 करोड़ रुपए का रहा है। 1 करोड़ रुपए का ये कारोबार जीविका के पायलट प्रोजेक्ट के पहले साल में ही पूरा हो गया। ये पूरी परियोजना ही बिहार सरकार और विश्व बैंक का साझा प्रयास है और इस सफलता ने बिहार सरकार को इस कदर उत्साहित कर दिया कि चालू सीजन के लिए मक्का खरीद के लक्ष्य को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया गया, जिसका आधा केवल पूर्णिया जिले से है। पिछले साल तो हमने करीब 1000 टन ही प्रोक्योर किया था, पर इस साल ऑलरेडी 10,000 टन प्रोक्योर करने की योजना बन चुकी है और उस पर काम चल रहा है। और मकई के अलावा अन्य जिलों में वेजिटेबल है, पल्सेस हैं, पोटैटो है, उन सब पर भी उनको प्रोक्योर करके बल्क करके क्वालिटी ग्रेडिंग करके मार्केट करने के लिए प्रयास जारी है। लक्ष्य बड़ा हो गया है, लेकिन इस लक्ष्य को शुरुआती तौर पर हासिल करने के लिए जीविका ने टेक्नोसर्व इंडिया के साथ मिलकर कई स्तरों पर काम किया है। किसानों को उपज की सफाई करने और नमी के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करने जैसी बातें समझाई गई हैं। किसानों को ये मूल मंत्र भी मिला कि बाजार में पहुंचने से पहले उपज की पैकेजिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए कि खरीदार खुद ब खुद खींचे चले आए। जाहिर है इतनी समझदारी से किसान को सीधा फायदा मिलना शुरू हो गया। पहले जनरल लोग जो कर रहा था तो उसमें 1 कट्ठा में 60 केजी उपज आ रहा था। अभी हम लोग जो बीज उपचार करवा करके बेड बनवा करके 8 से 14 दिन का बिचड़ा लगवा रहे हैं उसमें अभी 90 से 95 किलो पर कट्ठा उपज आया है। वहाँ पर यही असर पड़ा कि मास्टर मशीन से जो तैयारी किए थे नापी किए
चेक किए और कंप्यूटर से नापी किए, उसको यही था कि इसमें न बेसी लेते थे न कम होते थे, 50 ग्राम और 25 ग्राम जो बेसी होते उसमें लिखा हुआ जाते थे। और उस व्यापारी जो लेते हैं तो 5 किलो मार लेते थे, हम लोग नहीं जानते थे कितना मार लिए। तो जीविका की तरफ से हम लोग को प्रशिक्षण मिला कि हाँ, ए ग्रेड और बी ग्रेड सी ग्रेड करके होता है, जिसका भाव कि अलग अलग से होता है। हम लोग को कंपनी की तरफ से वहाँ से डेली मैसेज आता था कि ए ग्रेड का मूल्य इस प्रकार से, बी ग्रेड का मूल्य इस प्रकार से और सी ग्रेड का मूल्य इस प्रकार से है। तो हम डेली मतलब कि मकई का बेचते थे, उसके अनुसार ग्रेडिंग के अनुसार मूल्य का भाव पता चलता था। जीविका ने पूर्णिया में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके पीछे वजह साफ थी। पूरे देश में रबी मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन पूर्णिया जिले में ही होता है, लेकिन एक छोटी मुश्किल ये थी कि यहाँ ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों की औसत खेतिहर जमीन 1.5 एकड़ से भी कम है, इसलिए किसानों का संगठन करके उन्हें पहले बड़ा बना दिया गया। जब उन्हें बड़े किसान होने का एहसास हुआ तो उन्होंने मक्के की बुआई का रकबा बढ़ाना शुरू कर दिया। गेहूँ में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने के कारण और अगले साल पीजी में जो जुड़े तो और मक्का जो बेचे तो रेट तो अलग से मिला, अगर ऊपर से 50 रुपये कुंटल पे बोनस के रूप में मिला तो लगा कि फायदा ज़्यादा हुआ। तो अब की बार गेहूँ को जो है ना पूरा ख़त्म करके 2-3 बीघा और मक्का ज़्यादा लगा के सोचे कि गेहूँ में तो ऐसा नहीं होता तो मक्का में ज़्यादा फायदा होता है तो मक्का ही लगा लेते हैं ज़्यादा, और 1 बीघा गेहूं खाने के लिए लगा लिए और 1 बीघा पौधे का प्लांटेशन किए। किसान मेहनत करें और उनकी मेहनत से होने वाली कमाई से उनकी जेब भर जाए, इसके लिए जीविका के निर्देशन में किसानों ने मक्के की हार्वेस्टिंग से लेकर बिक्री तक के चरणों पर ध्यान दिया और इसकी शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक तौल से। इलेक्ट्रॉनिक तौल से किसानों की उपज 6% बढ़ गई, क्योंकि लगभग हर किसान का अनुभव है कि पहले की व्यवस्था में लोकल व्यापारी तौल में ही इतने की गड़बड़ी कर जाते थे। ये फर्क आया है कि जैसे हम लोग आम बिचौलिया पहले मकई देते थे तो वो हमारा जो है अगर 1000 रुपया कुंटल है तो अगर हम 10 कुंटल दिए तो वो जो है 1 कुंटल में 5 किलो अगर ले लेता है तो वो हमको जो अनाप शनाप जो लेता है तो अगर 10 रुपया किलो बाद 50 रुपया गया। जब हम पीजी में जुड़े हैं इस मशीन कंप्यूटर मशीन से नापते हैं तो इसमें हमारा धरता कुंटल पर और 50 किलो बराबर कुछ अनाप शनाप नहीं जाता है। इसमें 50 किलो बराबर 50 किलो होता है तो इसमें हमको जो है कोई घाटा लगने का चांस नहीं है। तौल के बाद एक बड़ी समस्या उपज को बाजार तक पहुंचाने की होती थी। छोटे किसान के लिए थोड़ी सी उपज को लेकर मंडी तक जाना मुश्किल, तो दूसरी तरफ पैसों की जरूरत के कारण घर तक आए व्यापारी को औने पौने दाम पर अपनी खून पसीने की कमाई बेचने की मजबूरी भी थी। ऐसे में एफपीओ ने जब किसानों से उपज को सीधे खरीदना शुरू किया तो इसके चमत्कारिक फायदे भी तुरंत देखने को मिले। एक तरफ तो 3-4 दिनों में पैसे मिलना और फिर उपज को ढोकर मंडी पहुंचाने की झंझट से भी बचना। जैसे हम लोग पहले मक्का जो उगाते थे तो हम लोगों के पास रखने का कोई जगह नहीं था, मजबूरन हम लोगों को यहाँ जो लोकल व्यापारी रहते थे उसको बेचना पड़ता था। अब जब हम लोग पीजी के द्वारा जब खरीदारी शुरू किए तो अब सामूहिक से खरीदारी करते हैं और गाड़ी पर लोड करके डायरेक्ट हम लोग गुलाब बाग में गोदाम रहता है कंपनी का, वहाँ रख देते हैं। जब 2-3 महीने के बाद जब रेट बढ़ता है तो फिर वो रेट पर जो है मक्का बिक जाते हैं और जो बेनिफिट होते हैं वो मेंबर तक पहुंच जाते हैं। किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है कि ऑनलाइन बिक्री से हुए फायदे का बड़ा हिस्सा वापस बोनस के रूप में किसानों के खाते में चला जाता है। फसल की कटाई के बाद उसकी बिक्री में जीविका की तकनीक सहायता करने वाली टेक्नोसर्व इंडिया ने एक और जहां किसानों को कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाजार उपलब्ध कराया है, वहीं उन्हें देश भर के खरीदारों की प्रतिस्पर्धा का भरपूर फायदा भी दिलाया है। स्पॉट NCDEX अगर ट्रेड करते हैं तो वहां पर अश्योरिटी ये है कि हमारा माल तुरंत निकल जाएगा गोडाउन से और हमको पैसा तुरंत मिल जाएगा, उससे हम और माल खरीद सकते हैं। दूसरा फायदा हमारा ये है कि फ्यूचर्स मार्केट का जो ऑप्शन देता है हमको NCDEX, तो फ्यूचर मार्केट्स में ये होता है कि हम अगर दूर से बेचना चाहिए यानी कि 2-3 महीने का अगर ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर 3 महीने बाद हमको बेचना है तो तभी का प्राइस आज के डेट में अगर जो भी डिसाइड हो सकता है तो वो कर देते हैं। उसके बाद अगर ट्रेडिंग करना है उसमें जिस तरीके से फ़ायदा हो जाए वो ट्राई करते हैं हम।
अभी जो माल वहाँ पर गोदाम पे रिजेक्ट हो जाता है उसके लिए क्या करते हैं? तो हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स है जो कि बना के रखा हुआ है हमने, जो कि हमको अच्छा प्राइस देगा जो हमारा रिजेक्टेड माल है उसके लिए। आरण्यक एफपीओ की सफलता की ये कहानी कमाल की है, इतनी कमाल की कि बिहार सरकार को इसकी सफलता से काफी उम्मीदें बंध गई हैं। बिहार सरकार ने 2007 में जीविका के जरिए बिहार के गांवों के लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया था, जिससे आरण्यक जैसे एफपीओ समूह को सफल होने का रास्ता मिला। पूर्णिया से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर, mandi.com। गोदाम वाला जो बोला कि अच्छा माल है तो हम अंदर करेंगे और जो खराब माल है उसको अंदर में नहीं लेंगे, ये चीज भी हमको अच्छा लगा।